न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है, क्योंकि हाइपोफाइसिस मतलब क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ही होता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस, और इसका नाम न्यूरो, न्यूरो मतलब जो न्यूरॉन से बना, तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, तुमने देखा था कि उनके अंदर दो टाइप के न्यूरॉन्स होते थे, एक होते SON, एक होते PVN, पैराबेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, और एक क्या होता था सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। तो क्योंकि न्यूरोन से बना हुआ है, तुम्हें पता भी है कि जो हाइपो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किससे बना हुआ है, न्यूरोएक्टोडर्म से, यानी नर्वस पार्ट भी है इसके पास और एक्टोडर्म भी है, तो नर्वस पार्ट की वजह से इसका नाम हो गया न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की हम बात करें तो किस तरीके से काम होता है, हम बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिव्यू करवा रहा हूँ कि ये है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, फिर हाइपोथैलेमस आगे, ठीक है, हाइपोथैलेमस ये आगे जाके क्या बनाता है, पिट्यूटरी या हाइपोफाइजल, हाइपोफाइजियल स्टाल्क, ठीक है, और इससे कौन जुड़ा होता है, इससे जुड़ा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, इससे जुड़ा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंटीरियर पार्ट और एक होता है पोस्टीरियर। हम बात करेंगे आज पोस्टीरियर की, ठीक है, इंटीरियर में आपको बता चुका हूँ, पोस्टीरियर भी, बट पोस्टीरियर वापस एक बार डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो, पोस्टीरियर में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ आपको ये बताने के लिए वापस से कि हार्मोन कहाँ से निकलता है और कैसे निकलता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे हार्मोन कैसे आता है, तुम्हें पता है कि हाइपोथैलेमस के अंदर, ठीक है, ये मान लो ये इंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है और ये पोस्टीरियर, तो हाइपोथैलेमस के अंदर दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, एक न्यूरॉन्स ही हो गया, एक न्यूरॉन्स मान लो ये हो गया, तो जो ये न्यूरॉन्स है इसका एक्सोन आएगा यहाँ पर, ठीक है, न्यूरॉन्स के पास एक्सोन होते हैं, इसका भी न्यूरॉन्स का एक्सोन आएगा यहाँ पर, ये मान लो क्या है PVN है, पैराबेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है, और ये वाला है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है, ठीक है। जो पैराबेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है वो कौन सा हार्मोन निकालता है, पैराबेंट्रिकुलर न्यूक्लियस क्या निकालता है, मैंने बताया था ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसी तरीके से जो SON है, SON यानी सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ये क्या निकालता है, ADH हार्मोन, एंटी डायुरेटिक हार्मोन, इसी का दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन हार्मोन। तो वैसोप्रेसिन ADH जो होता है उसको निकालने का काम किसका होता है, SON का होता है, और जो ऑक्सीटोसिन है, PVN है, इसको निकालने का काम किसका होता है, ऑक्सीटोसिन को निकालने का काम होता है PVN यानी पैराबेंट्रिकुलर न्यूक्लियस का। अच्छा, फिर एक चीज मैंने याद करो, मैंने क्या बताया था कि जो न्यूरॉन्स होते हैं PAN और PVN, या फिर ऐसा समझो ये हाइपोथैलेमस के दो पार्ट है, जहां से क्या निकलेगा, एक जगह से निकलेगा ऑक्सीटोसिन और एक जगह से निकलेगा वैसोप्रेसिन। तुम्हें बताया था मैंने कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं उनका सिंथेसिस भी, उनका सिंथेसिस कहाँ होता है, सिक्रीशन कहाँ होता है, कहाँ से, यानी सिंथेसिस और सिक्रीशन कहाँ से होता है, इन्हीं यही जगह, यानी जो ऑक्सीटोसिन है और जो हमारे पास ADH या वैसोप्रेसिन है, इन दोनों को कहाँ बनाया जाता है, इन दोनों को कहाँ बनाया जाता है, हाइपोथैलेमस के अंदर ही, जो PVN है और SON है। तो जो PVN है पैराबेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, वो क्या करेगी, ऑक्सीटोसिन को बनाएगी भी और सिक्रीट भी करेगी, सिक्रीट मतलब वहां से बनाएगी और सिक्रीट करके कहाँ डालेगी, ब्लड में, कहाँ डाल देगी, ब्लड में डाल देगी, और ब्लड में डाल देगी और ब्लड से कहा, सॉरी ब्लड में न्यूरॉन्स, नर्व फाइबर्स में, और नर्व फाइबर से कहा जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे आ जाएगा। यहाँ पे ब्लड काम नहीं करता, बताया था ब्लड का काम कहाँ पर है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन जो होगा हार्मोन्स का वो कहाँ पर होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी पे होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की खास बात है कि यहाँ पे ब्लड से काम नहीं होता, यहाँ नर्व फाइबर्स होते हैं न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स के अंदर ये बनता है, और न्यूरॉन्स में क्या होते हैं एक्सोन, वो एक्सोन क्या करते हैं हार्मोन को लेके नीचे आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो जो ऑक्सीटोसिन है, ठीक है, और हमारा जो ADH है, इसका जो सिंथेसिस और सिक्रीशन होगा वो होगा कहाँ पर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, हाइपोथैलेमस पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे नहीं होगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का सिर्फ इतना काम है कि वहां से जब हार्मोन सिक्रीट होके आएगा तो उसको क्या करना है, स्टोर करके रखना है, और फिर रिक्वायरमेंट जब होगी तो उसको टारगेट ऑर्गन तक भेजना है। तो इसका काम पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है, बस हार्मोन बनाने का काम पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नहीं है, ये लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ कि एक्चुअली
एक्चुअली पोस्टीरियर पिट्यूटरी डज नॉट सिंथेसिस एनी हार्मोन, यानी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किसी भी प्रकार का हार्मोन नहीं बनाती है। अभी बता क्या, बनाती नहीं है, सिर्फ स्टोर करके टारगेट ऑर्गन पे पहुंचाने का काम है इसका। तो बनाता कौन है, तो एडीएच यानी एंटी डायबिटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन, और दूसरा जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, एडीएच कहां से निकलता था, एसओएन से, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस याद रखना है। ऑक्सीटोसिन कहां से निकलता था, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से। ठीक है, तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, यहां से हार्मोन निकलते हैं। और हार्मोन मतलब निकलते हैं, मतलब बनते हैं और निकलते हैं। और ये कहां पर होता है, हाइपोथैलेमस पे होता है। कहां पर होता है, हाइपोथैलेमस पे होता है। फिर हाइपोथैलेमस के से कहां पर ट्रांसपोर्ट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। इसलिए मैंने पहले आपको बेसिक वहां पर आगे डिस्कस कर दिया, यहाँ पे सिर्फ पढ़ना है कि एक्चुअली क्या होता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड किसी भी प्रकार का हार्मोन नहीं निकालती है, किसी भी प्रकार का हार्मोन नहीं बनाती है। तो फिर हार्मोन आता कहाँ से, आता है कहाँ से, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से आता है, किसके थ्रू आता है, नर्व फाइबर्स के थ्रू, जो एक्सोन होते हैं वहां से आता है। ठीक है, बनाता कौन है, तो हाइपोथैलेमस के पास दो न्यूक्लियस हैं, एसओएन यानी सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस जो वैसोप्रेसिन को बनाएगा, एडीएच को बनाएगा, और दूसरा पार्ट होता है पीवीएन पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो क्या बनाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बनाता है। देन वहां से वो क्या करेगा, नर्व फाइबर्स के थ्रू कहां भेजेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ठीक है, और नर्व फाइबर को मैंने बताया था कि नर्व फाइबर जो है जो आते हैं उन्हीं को, नर्व फाइबर से क्या बनता है, हाइपोथैलेमस हाइपोफेजियल ट्रैक्ट। यानी मैंने बताया था कि जो हार्मोन है हाइपोथैलेमस से वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे आने के लिए एक रास्ता बनाते हैं, ट्रैक्ट बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं। उस रास्ता का नाम क्या है, हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजियल, यानी जो पिट्यूटरी को और थैलेमस को जोड़ता है, तो उसी को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट, जो किसके थ्रू बनता है, नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर को याद रखना, न्यूरॉन्स के थ्रू बनता है। ठीक है, न्यूरॉन्स के थ्रू बनता है ये। तो इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, हार्मोन्स कौन कौन से, उससे पहले एक बार फ्लो चार्ट से वापस से आप समझ लो कि देखो हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस के पास क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस के पास दो सेंटर है, एक है पीवीएन और एक होता है एसओएन। वापस से देख लो, पीवीएन पैराबेंटिकुलर न्यूक्लियस, एसओएन सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ओके, तो पीवीएन क्या करेगा, पीवीएन बनाएगा कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसी तरीके से एसओएन क्या बनाएगा, एडीएच हार्मोन यानी वैसोप्रेसिन हार्मोन। फिर जो ऑक्सीटोसिन बना, ठीक है, और जो एडीएच हार्मोन बना, इसको नर्व फाइबर्स के थ्रू, ठीक है, नर्व फाइबर यानी न्यूरॉन्स, नर्व फाइबर्स के थ्रू क्या करेंगे हम, नर्व फाइबर्स के थ्रू कहां पे लेके आएंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ठीक है, इसी तरीके से जो एडीएच है वो भी क्या होगा, नर्व फाइबर्स के थ्रू ही क्या होगा, नर्व फाइबर्स के थ्रू कहां पर आ जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे आ जाएगा। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या होगा, यहां से रिलीज हो जाएंगे, और रिलीज होकर कहां जाएंगे, टारगेट ऑर्गन पे, टारगेट ऑर्गन पे, और टारगेट ऑर्गन पे पहुंच कर क्या करेंगे, अपना फंक्शन शो करेंगे, क्या करेंगे, अपना फंक्शन शो करेंगे। तो इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि किस तरीके से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहां बनते हैं, कैसे आते हैं, और निकल के कहां पर जाके काम करते हैं। अब एक एक करके दोनों हार्मोन्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज अ वैसोप्रेसिन हार्मोन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आप लोग सभी कि वैसोप्रेसिन हार्मोन कैसे काम करेगा, कहां से निकलता है। तो वही पॉइंट्स होंगे जो हम अभी पढ़ के आए हैं बाकी हार्मोन्स के लिए। ओके, तो पहला आता है सोर्स ऑफ सिक्रीशन, कि कहां से निकलता है, तो कहां से निकलता है एडीएच, एडीएच निकलता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, सोर्स ऑफ सिक्रीशन, देखो पहले जो हम एंटीरियर पिट्यूटरी को याद करो, वहां पे जो सोर्स ऑफ सिक्रीशन था वो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास ही था। हमने लेक्टोट्रोप नामक सेल थी जो प्रोलेक्टिन हार्मोन निकालती थी, गोनेडोट्रोप नामक सेल थी जो क्या निकाल LHFSH निकालती थी। तो ये जो सेल्स आपने पिछले सेमेटोट्रोप पढ़ा था जो ग्रोथ हार्मोन निकालती थी, तो ये सारी सेल्स कहाँ पड़ी थी, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में पड़ी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सोर्स ऑफ सिक्रीशन है देखो वो कहाँ पर है, हाइपोथैलेमस पे है। जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है वो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है, लेकिन इंटीरियर पिट्यूटरी में जितने भी हमने सेल्स देखी थी जहां से हार्मोन सीक्रेट होता था वो कहां पर होते थे,
इंटीरियर पिट्यूटरी पे होते थे, हाइपोथैलेमस पे नहीं होते थे। हाइपोथैलेमस सिर्फ मैसेज देता था हार्मोन्स के थ्रू, वो हार्मोन ब्लड में डाल देता था, ब्लड के थ्रू हार्मोन मैसेज जो हार्मोन है वो मैसेज के रूप में किसके पास आते थे, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आते थे। और इंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता था, इंटीरियर पिट्यूटरी फिर उस मैसेज के अनुसार जो मैसेज आया है उसके अनुसार हार्मोन निकालता था और फिर हार्मोन से काम करवाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे सोर्स ऑफ सिक्रेशन ही किसका है, हाइपोथैलेमस का, यानी बना ही कौन रहा है, हाइपोथैलेमस। फिर आते हैं नेचर। अब मैंने बताया जितने भी पिट्यूटरी हार्मोन है सारे पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। अभी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है बट है तो पिट्यूटरी का, इसलिए ये भी कैसा है, पेप्टाइड हार्मोन है। इसी का दूसरा नाम क्या हो सकता है, इसी का दूसरा नाम प्रोटीन हार्मोन भी कहते हैं, प्रोटीन हार्मोन। तो जो प्रोटीन हार्मोन है या पेप्टाइड हार्मोन है वो सारे जितने हैं वो पिट्यूटरी के जितने भी हैं सब यही हैं। बस आपको दो याद रखना, LH और FSH, वो पेप्टाइड के साथ भी क्या है, उनमें कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज भी जुड़ता है, इसलिए उनका नाम था ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। तो ये चीज याद रखेंगे। अब बात करते हैं रेगुलेशन कैसे होता है, यानी ADH निकलता कैसे। देखो क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी में, ठीक है, वैसोप्रेसिन जो है वो कैसे निकलता है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि जब भी ब्लड वॉल्यूम कम होता है, ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, यानी रक्त का आयतन हमारे शरीर में कम हो जाता है, यानी जो नॉर्मल ब्लड होता है उससे ब्लड का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया। वो किसी भी वजह से हो सकता है, हो सकता है आपने पानी नहीं पिया, क्योंकि हमारे रक्त का जो मेन कंपोजिशन है, मेन भाग होता है वो पानी होता है, वाटर होता है, आपने वाटर नहीं लिया, पानी नहीं लिया प्यास में, ठीक है। दूसरी चीज हो सकता है कि आपका ब्लड किसी भी चोट की वजह से, आपके एक्सीडेंट या किसी भी दुर्घटना की वजह से ब्लड कम हो गया शरीर के अंदर, ब्लड बाहर चला गया, तो उस दौरान भी शरीर के अंदर ब्लड कम हो जाता है। तो एनी केसेस, किसी भी केस में यदि आपके शरीर के अंदर ब्लड वॉल्यूम हो गया है कम, ठीक है, जैसे ब्लड वॉल्यूम कम होता है, तो अब ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो आयतन कम हो गया, कुल मिला के पानी भी तो कम हो गया, यदि ब्लड कम हो रहा है इसका मतलब पानी भी तो कम हो गया आपकी बॉडी में, तो किस तरीके से मैनेज करेगा ADH। देखो तो जैसे ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड की जो ऑस्मोलरिटी है वो बढ़ जाएगी, गाढ़ा, समझते हो, मतलब अब थोड़ा सा बचा ना, पानी तो निकल गया इसमें से, तो क्या हो जाएगा, इसका जो कंसेंट्रेशन है ब्लड का बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज कंसेंट्रेशन, ठीक है, कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा, कंसेंट्रेशन मतलब समझ लो गाढ़ा हो जाएगा ब्लड। जैसे गाढ़ा हो जाएगा तो हाइपोथैलेमस के पास ओस्मोरिसेप्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, ओस्मोरिसेप्टर्स, रिसेप्टर ध्यान रखना है, जहां भी बढ़ा था रिसेप्टर, रिसेप्टर का काम होता है मैसेज को ग्रहण करना, यानी किसी भी मैसेज को लेना, महसूस करना, फील करना, और उसके हिसाब से क्या करवाना है, रिस्पॉन्स करवाना है। तो जो ओस्मोरिसेप्टर्स होते हैं कहां पर, हाइपोथैलेमस पे, हाइपोथैलेमस के पास, ठीक है, हाइपोथैलेमस के पास ओस्मोरिसेप्टर्स होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, कब होते हैं, जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। तो जैसे ब्लड वॉल्यूम कम हुआ या शरीर के अंदर पानी कम हुआ, खून कम हुआ, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम कम होगा या पानी भी कम होगा, तो भी जैसे पानी की कमी आई, तो पानी की कमी आएगी तो ब्लड वॉल्यूम भी कम ही हो जाएगा। तो जैसे पानी की कमी आई या ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो उस दौरान क्या होता है कि ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाएगा, यानी उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, सांद्रता बढ़ जाएगी, सांद्र हो जाएगा ब्लड। ऐसी कंडीशन में अब ब्लड क्या होगा, फ्लो करता है पूरी बॉडी में, तो फ्लो करता हुआ कहां पर पहुंचेगा, हाइपोथैलेमस पे। भाई हाइपोथैलेमस में भी तो ब्लड जाता है ना, वो भी तो सेल है, हाइपोथैलेमस भी तो ऑर्गन है, वहां पे ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब ब्लड हाइपोथैलेमस पे पहुंचेगा तो हाइपोथैलेमस महसूस कर, हाइपोथैलेमस के क्या है ओस्मोरिसेप्टर, रिसेप्टर काम होता है महसूस करना, मैसेज लेना, ओस्मोरिसेप्टर यानी ओस्मोलरिटी को महसूस करना, ओस्मोलरिटी यानी वही सांद्रता को, तो सांद्रता को महसूस कर लेगा कि ब्लड कैसा हो गया है, गाढ़ा हो गया है बहुत, ठीक है, यानी ब्लड के अंदर पानी की कमी हो गई है या ब्लड कम हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा और क्या निकाल देगा, ADH, क्या निकाल देगा, ADH हार्मोन, ठीक है, ADH हार्मोन निकालेगा। तो वापस से समझो, आपके शरीर में जब भी पानी की कमी होगी, खून की कमी होगी, रक्त की कमी होगी, तो रक्त हो जाता है गाढ़ा, गाढ़ा होने की वजह से, सांद्र हो जाने की वजह से, जब ब्लड पहुंचता है हाइपोथैलेमस के पास, तो हाइपोथैलेमस के पास होते हैं ओस्मोरिसेप्टर्स, वो महसूस करते हैं कि ब्लड के अंदर पानी की कमी हो चुकी है। तो पानी की कमी हो गई तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक्टिवेट हो जाता है और ADH हार्मोन निकालता है, ठीक है, क्योंकि ADH हार्मोन किसके पास है, हाइपोथैलेमस के पास ही तो है,
तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो गया और क्या निकाल देगा, एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन निकालने से क्या होता है कि वाटर का रिटेंशन हो जाता है, क्या हो जाता है, रिटेंशन, यानी पानी को बचाया जाता है, पानी को बाहर जाने से रोका जाता है। तो किस तरीके से पानी का रिटेंशन होता है, यूरिन आउटपुट घटा देते हैं, यूरिन कम निकालते हैं। भाई वाटर कैसे बचाओगे, पानी की कमी है शरीर के अंदर और पानी आपको मिल नहीं रहा, ब्लड कम हो रहा है, ब्लड पानी नहीं मिलेगा ना, पानी की कमी होगी शरीर में तो ब्लड वॉल्यूम अपने आप कम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में पानी बचाना है, तो पानी बचाने के लिए क्या निकाला जाता है, इसीलिए तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होकर क्या निकालता है, एडीएच। और एडीएच हार्मोन क्या करता है, वाटर रिटेंशन करता है, पानी को निकालता है, पानी को सॉरी बचाता है, यानी किडनी पे जाके। एडीएच कहाँ काम करता है, किडनी पे, किडनी पे जाके एक्शन करेगा, और किडनी पे जाके क्या करेगा, जो यूरिन बन रहा है, यूरिन बनने को कम कर देगा, यानी पानी को बचा लेगा। यूरिन पास आउट जो हम करते थे नॉर्मल डेली लाइफ में, वो कम हो जाएगा, यूरिन कम पास करेंगे। तो यूरिन कम पास करेंगे तो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, पानी रिटेंशन कर रहे हैं, पानी बचा रहे हैं। तो पानी जब बचा रहे हैं तो ब्लड का, ब्लड के अंदर पानी की मात्रा जब ज्यादा हो जाएगी तो ब्लड वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो एडीएच के निकलने से पानी जो आउटपुट था, पानी बाहर निकल रहा था शरीर से, उससे हमने रोक लिया, रोक लिया तो क्या हुआ, पानी बचा लिया, और पानी को कहां डालेंगे, ब्लड में, तो ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो जाएगा। जैसे ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो गया तो वापस से महसूस करेगा कौन, ऑस्मोरिसेप्टर, वो देखेगा अरे यहाँ तो पहले क्या था, पानी कमी थी, अब पानी यूरिन से निकला नहीं तो पानी बच गया, तो जो ब्लड गाढ़ा हो गया था वो नॉर्मल हो जाएगा, जो नॉर्मल हो जाएगा पतला हो जाएगा, तो महसूस कर लेगा ऑस्मोरिसेप्टर अरे अब कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड पतला हो गया है, हाइपोथैलेमस फिर एक्टिवेट होगा। कहीं मैसेज तो देगा ना हाइपोथैलेमस को कि सर बाहर अब खून में पानी की कमी नहीं है, पानी नॉर्मल है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एडीएच को निकालना बंद कर देगा, एडीएच को निकालना बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा। जब एडीएच नहीं निकलेगा तो वापस से क्या हो जाएगा, यूरिन जो नॉर्मल आप डेली लाइफ में निकालते थे वो निकालने लग जाओगे। तो ये इस तरीके से पूरा रेगुलेशन है। रेगुलेशन में आपको सिर्फ इतना ही याद हो तो काफी है कि ब्लड वॉल्यूम जैसे कम होता है, ये शरीर में पानी कम होता है तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है, कौन करता है, ऑस्मोरिसेप्टर्स करते हैं, और एडीएच हार्मोन निकालता है। बस इतना याद रहे तो काफी है, बट आपका कॉन्सेप्ट मैप बना रहे, आपको एग्जैक्ट हर पॉइंट क्लियर रहे, इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स आपके डिस्कस करे। एडीएच हार्मोन निकल के क्या करेगा, किडनी पे जाएगा, वाटर रिटेंशन करेगा, पानी बचाएगा, पानी यदि बचा रहा है, वाटर रिटेंशन कर रहा है, तो यूरिन कम बनेगा भाई, तो यूरिन कब बनेगा, यूरिन कम निकलेगा तो पानी को हम बचा लेंगे। तो ये पूरी मैकेनिज्म हो गई, पूरा रेगुलेशन हो गया किसका, एडीएच हार्मोन का। अब बात करते हैं फंक्शन, किस तरीके से ये क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो पहला फंक्शन है रिटेंशन ऑफ वाटर, अभी देख लिया तुमने, रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सोडियम। तो ये क्या करता है कि वाटर का रिटेंशन करता है और साथ में सोडियम का भी करता है, ठीक है। दूसरा काम इसका क्या होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी जो रक्तवाहिकाएं होती हैं, जो धमनी होती है, उस धमनी को ये संकुचित कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है। दो काम है, कॉन्ट्रेक्शन का भी फायदा है, रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सोडियम का भी फायदा है, दोनों काम बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, और ये काम हमेशा आए हुए हैं, ठीक है। नीट एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, एडीएच पे। तो इसके फंक्शन आपको याद रखना, रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सोडियम एंड वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कैसे कराता है, आओ देखते हैं फिर से। पहला फंक्शन क्या है, रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सोडियम, ठीक है, वाटर एंड सोडियम को कैसे रिटेन करता है, आओ देखते हैं, ठीक है। चलो तो कैसे रिटेन करेगा, तो जैसे ही वापस एक बार देखो, जैसे ही क्या होगा, वापस से ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा या फिर वाटर की कमी हो जाएगी बॉडी में, पानी की कमी हो जाएगी। तो पानी की जैसी कमी होती है, ब्लड वॉल्यूम कम होता है, तो कौन एक्टिवेट होते हैं, ऑस्मोरिसेप्टर, अभी बताया कौन एक्टिवेट होगा, ऑस्मोरिसेप्टर। ये ऑस्मोरिसेप्टर कहां पर होते हैं, हाइपोथैलेमस पे होते हैं, कहां पर होते हैं, हाइपोथैलेमस पे होते हैं, ठीक है। और हाइपोथैलेमस पे है ये रिसेप्टर, और हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो चुका है तो क्या निकाल देगा, एडीएच हार्मोन, एंटी डायुरेटिक हार्मोन, या दूसरा नाम वेसोप्रेसिन हार्मोन, ये हार्मोन निकलेगा, एडीएच या वेसोप्रेसिन हार्मोन। ये कहां पर जाएगा, तो अभी देखा, जैसे ये निकला एडीएच हार्मोन, तो ये कहां पर जाएगा, तो आप मैं बता दूं, नर्व फाइबर्स के थ्रू कहां पर जाएगा, नर्व फाइबर्स के थ्रू कहां पर जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे,
पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा, और ये फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू कहाँ रिलीज हो जाएगा, ब्लड में। भाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बाद कहाँ जाएगा, ब्लड में, और ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, ये किडनी के पास। कहाँ पहुंचेगा, किडनी के पास। किडनी के अंदर न्यूरॉन्स पे आपने डिफरेंट पार्ट्स देखे होंगे, तो न्यूरॉन्स के अंदर जो आपने देखा होगा डीसीटी एंड सीटी कलेक्टिंग डक्ट। सीटी, डीसीटी क्या होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और सीटी क्या होता है, सीटी होता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, अभी आपको सिर्फ इतना पता था कि किडनी पे जाके पानी को बचाएगा, ठीक है, और सोडियम को बचाएगा, जिससे पानी शरीर के अंदर नॉर्मल हो जाएगा, बट किडनी पे कहाँ, तो ये भी याद रखना है कि किडनी पे क्या है, जब आप देखोगे किडनी के अंदर होते न्यूरॉन्स, और उन्हीं का काम होता है यूरिन फॉर्मेशन। न्यूरॉन मेन फंक्शन यूनिट होती है किसकी, किडनी की, सॉरी न्यूरॉन बोल रहा हूँ क्या मैं, नेफ्रॉन, सॉरी नेफ्रॉन है, यदि मैंने न्यूरॉन बोला हो तो सॉरी नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन होते हैं। तो किडनी पे क्या होते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन पे क्या, नेफ्रॉन के भी डिफरेंट पार्ट्स है, उसमें से जो डीसीटी है और सीटी यानी कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यहाँ पर काम करता है कौन, एडीएच हार्मोन। इन दोनों एरिया पे काम करता है कौन, एडीएच हार्मोन, और एडीएच हार्मोन इन दोनों एरिया पे काम करके क्या कराता है, रिटेंशन ऑफ वाटर, रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सोडियम, ठीक है, रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सोडियम। जब रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सोडियम है तो क्या हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जो घट गया था उसको तुमने क्या किया था, बढ़ा दिया, ओके। तो इस तरीके से पहला फंक्शन है टेंशन ऑफ वाटर एंड सोडियम। तो इसमें पूरी मैकेनिज्म भी मैंने बताई है, क्योंकि नीट में क्वेश्चन आता है, और नीट में क्वेश्चन सिर्फ इतना, इससे आप सोल्व नहीं कर पाओगे कि रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सोडियम, कल वो जाके इसके मैकेनिज्म पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस तरीके से करता है, और इस बीच में पॉइंट्स ऐड करेगा जो अपन ने यहाँ मैकेनिज्म पढ़ी। इसलिए आपको याद होना चाहिए कि काम कैसे होगा, रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सोडियम कैसे होगा, एडीएच कैसे काम करेगा। तो ब्लड वॉल्यूम कम होता है, हाइपोथैलेमस एडीएच निकालता है, नर्व फाइबर्स को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है, ब्लड के थ्रू किडनी पे पहुंचेगा, किडनी पे क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन के अंदर होते डीसीटी और सीटी, सीडी कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स। यहाँ पर पानी क्या होता है, बाहर चला जाता है, यहाँ से पानी बाहर जाता है यूरिन में। तो हम क्या करें, क्योंकि एडीएच निकला है तो इस बार पानी बाहर नहीं जाएगा। एडीएच क्या करता है, रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सोडियम कैसे करता है, रीअब्सॉर्प्शन कर लेता है पानी का, रीअब्सॉर्प्शन क्या कर लेता है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। ध्यान रखना है करता कैसे, बार बार बोलते रहे हो कि रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सोडियम यानी पानी को बचाएगा, बचाएगा कैसे, रीअब्सॉर्प्शन करके पानी का पुनः अवशोषण करा लेगा। जो पानी बाहर निकल रहा था यूरिन के फॉर्म में उसको ये क्या कर लेगा, पुनः अवशोषित कर लेगा, पुनः अवशोषण कर लेगा, और पुनः अवशोषण के बाद कहाँ भेज देगा, ब्लड में। तो ब्लड में जैसे भेजेगा तो ब्लड के अंदर पानी नॉर्मल, पानी नॉर्मल तो ब्लड का आयतन भी नॉर्मल। तो इस तरीके से पहला मैकेनिज्म है कि किस तरीके से काम करता है। सेकंड फंक्शन क्या देखा था हमने, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, ठीक है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी जो वेसल्स होती हैं उनको संकुचित करता है, ठीक है। तो कौन सी वेसल, आर्टरी, जनरली किस पे काम करेगा, आर्टरी पे, ठीक है, जनरली किस पे काम करेगा, आर्टरी पे, ठीक है। तो आर्टरी का क्या कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्शन। आर्टरी का कॉन्स्ट्रिक्शन करने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो याद रखना कि ये जाके क्या करेगा, वेसल्स पे, साथ में क्या करेगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। कैसे, देखो एग्जांपल के लिए, ये तुम्हारी आर्टरी थी पहले, ये आर्टरी थी पहले, आर्टरी के अंदर इतना स्पेस था, ठीक है, आर्टरी के अंदर इतना स्पेस था, तो ब्लड इसके अंदर से फ्लो हो रहा था, तो आराम से धीरे धीरे फ्लो हो रहा था। इसके बाद जैसे ही एडीएच आया, एडीएच ने क्या किया, आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्शन करा दिया, आर्टरी हो गई पतली। अब पतली हो गई तो इसके अंदर से जो ब्लड बह रहा था उसको जगह, स्पेस जो एरिया है वो कम हो गया। तो एरिया जब कम हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एग्जांपल के लिए आप जो पानी की पाइप होती है, उस पाइप को यदि आप अपने हाथों से दबाओ, दबाने पे क्या होता है, फोर्स बढ़ जाता है। जब आपको पानी थोड़ी दूर और पहुंचाना होता है तो आप क्या करते हो, पाइप को दबा देते हो,
तो पाइप को दबाने से क्या हो गया, पाइप के अंदर जो एरिया है वो कम हो गया, तो पानी का फोर्स बढ़ गया। उसी तरीके से यहाँ पर होता है कि जैसे ही आर्टरी का कंस्ट्रक्शन हुआ, संकुचन, ठीक है, जैसे ही आर्टरी का संकुचन हुआ तो संकुचन होने से क्या होगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है, ब्लड की स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कुल मिला के ब्लड क्या होगा, प्रेशर, ब्लड के अंदर जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर बीपी, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये दो फंक्शन किसके थे, हमारे पास एडीएच के। ओके, तो अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने मैकेनिज्म के साथ समझ लिया कि कहां पर क्या हो रहा और कैसे हो रहा। नेक्स्ट जो हमारे पास हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मैं बता दूं तुम्हें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपने अभी देखा था जो एडीएच हार्मोन है, एडीएच हार्मोन क्या करता है, यूरिन फॉर्मेशन कम करता है, यूरिन बनाने को कम करता है, यूरिन को निकलवाता कम है, कैसे, क्योंकि ये पानी का क्या कर देता है, पानी का, ये देखो यहाँ पे पानी का रीअब्सॉर्प्शन करवा देता है, पानी का क्या कराता था, रीअब्सॉर्प्शन। तो रीअब्सॉर्प्शन कराने से क्या हो गया, यूरिन कम निकलेगा, ठीक है, यूरिन कम निकलेगा। ओके, अब इसी से रिलेटेड दो चीजें मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पर। आप एडीएच हार्मोन की वजह से और क्या हो सकता है, देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको पता होना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस तो पूछे जा सकते हैं। देखो, यदि एडीएच हार्मोन ज्यादा निकल गया, ठीक है, एडीएच हार्मोन यदि ज्यादा निकल गया तो पानी का रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा, यानी रीअब्सॉर्प्शन वाटर का क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। देखो, हर चीज नॉर्मल में होनी चाहिए, ठीक है, हमारी बॉडी में हर काम नॉर्मल, यानी जितनी की जरूरत है उतना होना चाहिए। अब क्या हुआ कि किसी वजह से एडीएच हार्मोन ज्यादा निकल गया, ठीक है, एडीएच हार्मोन ज्यादा निकल गया तो पानी का रीअब्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा करा लेगा, और बहुत ज्यादा करा लेगा तो यूरिन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, पानी का रीअब्सॉर्प्शन बहुत करा ले तो यूरिन कम हो जाएगा ना, और यूरिन कम होने की कंडीशन कहलाती है ओलिगोयूरिया। क्या कहलाती है, ओलिगोयूरिया, ओलिगो मतलब होता है कम, यूरिया मतलब यूरिन। तो यदि यूरिन कम हो जाए उस कंडीशन का नाम होता है ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया का कारण क्या है, एडीएच हार्मोन का बहुत अधिक निकलना। अब इसे से उल्टा देख लो, यदि एडीएच हार्मोन की कमी हो गई, एडीएच हार्मोन क्या हो गई, कमी, तो कमी हो गई तो रीअब्सॉर्प्शन होगा क्या वाटर का, रीअब्सॉर्प्शन वाटर का होगा ही नहीं भाई, एडीएच होता तो रीअब्सॉर्प्शन होता, अब एडीएच है ही नहीं, जब है नहीं या फिर बहुत कम हो गया तो रीअब्सॉर्प्शन वाटर का होगा नहीं, तो जब रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा तो यूरिन क्या होगी, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, इसी को हम पोलियोरिया कहते हैं, पोली मतलब ज्यादा, यूरिया मतलब यूरिन, तो पोलियोरिया। तो यूरिन कम निकले तो ओलिगोयूरिया, यूरिन ज्यादा निकले तो पोलियोरिया। ओके, अच्छा, अब यहां पर एक चीज और देखो, जो यूरिन ज्यादा निकलता है पोलियोरिया है, ठीक है, इसको हम एक कंडीशन और कहते हैं, जब किसी पर्सन के अंदर यूरिन का आउटपुट बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा यूरिन पास करता है, तो उसको एक कंडीशन या एक डिसीज कहते हैं जिसका नाम होता है डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आ चुका, कि यदि एडीएच हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा, यदि किसी भी पर्सन के अंदर एडीएच हार्मोन की बहुत ज्यादा कमी हो गई तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। तो एडीएच हार्मोन की कमी से यदि कोई बहुत ज्यादा यूरिन पास करता है, ठीक है, दिन भर हर 10 मिनट में, हर एक घंटे में, हर आधे घंटे में यूरिन ही जाता है, यानी पानी पिया नहीं यूरिन जाना है, थोड़ा सा पानी पिया यूरिन जाना है, यानी नॉर्मल हम डेली लाइफ में 1.5 लीटर यूरिन पास करते हैं, 1 से 1.5 लीटर, वो क्या करेगा, उसका अमाउंट 1.5 से काफी ज्यादा हो जाएगा, डबल ट्रिपल गुना हो जाएगा, बहुत ज्यादा यूरिन पास करेगा। तो जब बहुत ज्यादा यूरिन पास करता है तो कंडीशन डायबिटीज इंसिपिडस कहलाती है, मतलब वो डिसीज डायबिटीज इंसिपिडस है, और इसी को हम पोलियोरिया भी बोल सकते हैं, यानी यूरिन बहुत ज्यादा पास करते हैं। ओके, तो ये दो कंडीशन आपको याद रखना है, केडीएच कम हो गया तो क्या होगा, ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, रटना कुछ नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हो तो अब इसको सिर्फ देखना है कि हाँ भाई एडीएच यदि कम हो गया तो रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा ना, क्योंकि एडीएच रीअब्सॉर्प्शन करवाता था, रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी तो यूरिन ज्यादा बनेगा, यूरिन ज्यादा बनेगा तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। इसी तरीके से एडीएच हार्मोन ज्यादा निकल गया तो क्या करा देगा, पानी का रीअब्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा करा देगा तो यूरिन कम हो जाएगा, यूरिन कम हो जाएगा तो ओलिगोयूरिया हो जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस अलग अलग होते हैं,
ये डायबिटीज वो नहीं है जो शुगर वाली है, याद रखना ये शुगर वाली डायबिटीज आगे पढ़ाऊंगा, इंसुलिन की कमी से होता है उसको बाद में पढ़ाऊंगा, ये डायबिटीज दूसरी है, ये डायबिटीज इंसिपिडस है, डायबिटीज मेलाइटस होती है जो शुगर वाली है, इंसुलिन की कमी से होती है, उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो ये होगा हमारा एडीएचआर। नेक्स्ट आता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है? सोर्स ऑफ सेक्रेशन तुम्हें पता है, हाइपोथैलेमस से निकलता है, और कौन निकलवाता है? पैराबेंडिकुलर न्यूक्लियस निकलवाते हैं। किस टाइप का हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। रेगुलेशन, तो रेगुलेशन कैसे होता है आओ देखते हैं, हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा कैसे, तो पहले फंक्शन देख लेते हैं क्योंकि फंक्शन से रिलेटेड इसका रेगुलेशन है। तो पहला फंक्शन, पहला क्या फंक्शन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स करवाता है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स मतलब हेल्प इन पार्चुरेशन, सिंपल। पार्चुरेशन पढ़ाया था, पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी, जब बेबी बता उस टाइम भी बताया था, इसलिए बोला था एंडोक्राइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी सिस्टम पढ़ोगे एंडोक्राइन आ जाता है। जैसे अभी देखा एडीएच पढ़ क्या है, एडीएच का पूरा किससे रिलेटेड है? यूरिन से। और यूरिन कहाँ पढ़ोगे? एक्सक्रेटरी ऑर्गन, एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ोगे तब पढ़ेंगे अपन, तो वहां पे भी काम आएगा। तो ये हार्मोन पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं काम आते हैं, इसलिए हार्मोन वाला चैप्टर मैं पहले पढ़ा रहा हूँ कि हार्मोन आपको क्लियर होंगे तो बाकी चैप्टर या बाकी जो हमारे पास सिस्टम है वो इजिली आप कवर कर पाओगे, समझ पाओगे। तो इसका जो पहला फंक्शन है कि ये क्या कराता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसका मतलब सिंपल बोल दो, हेल्प इन पार्चुरेशन। जब रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था बताया था कि जब बेबी की डिलीवरी होती है, जब 9 महीने के बाद बेबी डेवलप हो जाता है, फुली डेवलप हो जाता है और बेबी अब बाहर आने के लिए रेडी हो जाता है, तो उस दौरान हमारे हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या कराता है? बेबी को बाहर आने में मदद करता है, यानी डिलीवरी में हेल्प करता है। तो कैसे करता है? तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है, यानी पार्चुरेशन में मदद करेगा। कैसे करता है? तो जब 9 मंथ के बाद बेबी फुली डेवलप हो जाता है तो मसल हो जाती है वहां की, यूटेरस मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, यूटेरस मसल के पास कॉन्ट्रैक्शन से वहां पे होंगे रिसेप्टर, रिसेप्टर मैसेज लेंगे और न्यूरॉन्स के थ्रू, बॉडी में पूरी नर्व होती है तो उस न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज कहां जाएगा? हाइपोथैलेमस पे, और हाइपोथैलेमस पे जाके क्या निकलेगा? हाइपोथैलेमस को मैसेज जाएगा कि बेबी फुली डेवलप हो चुका है, बाहर आने के लिए रेडी है, तो हाइपोथैलेमस क्या निकालेगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालेगा। ऑक्सीटोसिन जैसे ही हार्मोन निकालेगा तो ऑक्सीजन हार्मोन ब्लड के थ्रू पहुंच जाएगा कहां? यूटेरस के पास, और यूटेरस के मसल को, इसका काम क्या है? कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन करवाता है मसल्स का, फोर्सफुली, तो बहुत फोर्सफुली बहुत जोर से मसल को संकुचित करेगा गर्भाशय की, और गर्भाशय की जब मसल को संकुचित करेगा तो बेबी क्या हो जाएगा? वहां से बाहर आएगा, तो मतलब बेबी की डिलीवरी में मदद करता है। दूसरा होता है मिल्क इजेक्शन। बेबी को डिलीवरी के बाद जैसे ही मिल्क इजेक्शन भी, यानी मिल्क को बाहर निकलवाने का काम इसका है। अब यहाँ पे याद रखो, मिल्क को बनाने का काम किसका था? सिंथेसिस मिल्क किसका था? प्रोलैक्टिन का। बताया था अभी पढ़ के आया, एंटी रिप्यूटरी हार्मोन प्रोलैक्टिन मिल्क बनवाता था, सिंथेसिस करवाता था, उसका सिक्रेशन भी करवाता था। ओके, सिक्रेशन का भी करवाता था कौन? प्रोलैक्टिन हार्मोन, और मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करवाता था, ये प्रोलैक्टिन के काम थे। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, यानी मिल्क को बाहर निकलवाने के लिए मैसेज देता है, ठीक है, यानी मिल्क बाहर निकलना चाहिए, कब निकलना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए, उसका जो मैसेज है, ठीक है। रिफ्लेक्स मतलब होता है क्रियाविधि, प्रतिक्रिया, आपने सुना होगा, रिफ्लेक्स एक्शन सुना होगा, ठीक है, आपने पिछली क्लास में रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा होगा, तो वही रिफ्लेक्स मतलब कि मैसेज का आना और जाना, मिल्क इजेक्शन यानी मिल्क को निकालने वाला मैसेज, ठीक है। तो वो कैसे होगा अभी उसके मैकेनिज्म देखेंगे। नेक्स्ट आता है और क्या काम करेगा? कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल, स्पेशली कौन सी मसल? यूटेराइन मसल। स्पेशली क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अभी ये तो पहले पॉइंट में ये भी यही था कि पार्चुरेशन के समय, डिलीवरी के समय गर्भाशय की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, संकुचित करना, ताकि बेबी बाहर आ जाए। तो ऑक्सीटोसिन का याद रखना, ये कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। देखो, बेबी को बाहर निकालना है तो गर्भाशय की मसल कॉन्ट्रेक्शन कराएगा, मिल्क को बाहर निकालना है तो मेमरी ग्लैंड के अंदर जो सेल्स है उनका कॉन्ट्रेक्शन कराएगा, तभी तो मिल्क बाहर आएगा। तो इसका मेन काम कॉन्ट्रेक्शन का ही है। ओके, अब बात करते हैं कि किस तरीके से इसका रेगुलेशन होता है, कैसे यह हार्मोन काम करता है। तो देखो, जैसे बेबी की एक में मिल्क इजेक्शन वाला मैकेनिज्म बता रहा हूँ, बाकी भी ऐसे ही है, तो मिल्क एक बता देता हूँ, ठीक है, और इसे भी तुम्हें अभी ज्यादा जरूरत है नहीं, फिर भी एक देख लो। जो बेबी है, बेबी क्या करता है? जैसे ही सकिंग करता है, सकिंग ऑफ निप्पल, ठीक है, सकिंग ऑफ निप्पल, बेबी क्या करेगा? निप्पल को सक करेगा,
तो जैसे ही निपल को सक करेगा तो वहां पर क्या होंगे, सेल्स होंगे, रिसेप्टर्स होंगे, क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे। कहां पर, निपल के पास। हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स हैं तो वहां पर रिसेप्टर हर जगह होते हैं। तो जैसे बेबी ने निपल को सक किया तो रिसेप्टर्स क्या हो गए, एक्टिवेट। और ये रिसेप्टर क्या करेंगे, न्यूरॉन्स के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज को कहां लेके जाएंगे, हाइपोथैलेमस पे। कहां लेके जाएंगे, हाइपोथैलेमस पे, हमारी पूरी बॉडी पे नर्वस सिस्टम है। तो जैसे निपल को सक किया गया है तो क्या होगा, रिसेप्टर एक्टिवेट हुए और रिसेप्टर ने क्या किया, मैसेज के थ्रू, जो मैसेज है वो न्यूरॉन के थ्रू कहां पर पहुंचा दिया, हाइपोथैलेमस पे। और हाइपोथैलेमस पे जैसे मैसेज गया तो हाइपोथैलेमस ने कौन सा हार्मोन निकाला, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जैसे निकलेगा तो क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल अराउंड निप्पल, यानी निप्पल के चारों तरफ, निप्पल के अराउंड में जितने भी मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन करा देगा। तो जैसे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा निप्पल के पास, आसपास की जो मसल है, तो जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उनके अंदर जो मिल्क भरा होगा वो आउट हो जाएगा, यानी मिल्क का सिक्रेशन होने लगेगा, मिल्क सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका रेगुलेशन होता है कि बेबी जैसे सक करता है रिसेप्टर एक्टिवेट होकर मैसेज हाइपोथैलेमस को देते हैं, हाइपोथैलेमस को मैसेज गया तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलवा देगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन, कौन सी मसल, जो मेमोरी ग्लैंड की मसल, उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो मिल्क भरा हुआ है वो मिल्क सिक्रेट होने लगेगा, क्योंकि दबाएंगे तो मिल्क बाहर आएगा ना, तो मिल्क बाहर आने लगेगा और बेबी को यहाँ से न्यूट्रिशन मिल जाएगा। इसको बोलते हैं मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये जो मैंने समझाया ये है मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, किस तरीके से मैसेज निकलता है, मैसेज के थ्रू मिल्क सिक्रेशन होता है, इसी तरीके से होता है। सेकेंड फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स मैं सिर्फ बोल दे रहा हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए कि आपको रटना ना पड़े किस तरीके से काम होता है बता रहा हूँ, आपके लिए इतना भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखो जैसे बेबी, अब मान लो हम किसकी बात करें, फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की, रिफ्लेक्स की, तो जैसे ही बेबी क्या हो जाएगा, कंप्लीट डेवलप हो जाएगा 9 महीने बाद, तो यूटराइन मसल, ठीक है, थोड़ा सा बेबी जैसे डिलीवरी के लिए रेडी होगा तो यूटराइन की मसल्स जो होंगी, गर्भाशय की जो मसल्स होंगी वो मैसेज देंगे रिसेप्टर को, फिर वापस रिसेप्टर लेके जाएंगे कहाँ, न्यूरॉन्स कहाँ लेके जाएंगे मैसेज को, हाइपोथैलेमस पे, हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकाल देगा, फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, इस बार किसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, यूटेराइन मसल का, क्योंकि यूटेरस पे काम चल रहा है इस बार, निप्पल पे थोड़ी चल रहा, तो यूटेराइन मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, बेबी आउट हो जाएगा। तो मैकेनिज्म ऐसे ही है, बस वहां पे क्या करना है, बेबी यहाँ पे जो सकिंग ऑफ निप्पल है वहां पे क्या हो जाएगा, यूटेराइन मसल का, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, वहां पे मैसेज जाएगा न्यूरॉन की हाइपोथैलेमस पे, ऑक्सीजन हार्मोन निकलेगा और वहां पे जो मसल है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा गर्भाशय की, और क्या हो जाएगा, बेबी बाहर आ जाएगा, दबाएगा ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब दबाना, दबाएगा तो बेबी आउट हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है किसका, फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का। तो ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये काम क्या करता है, फंक्शन क्या करता है, तो फिटल इजेक्शन, मिल्क और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, ये तीन फंक्शन आपको याद रखने। रेगुलेशन क्या है, रेगुलेशन जो जिस तरीके से काम करता है वो रेगुलेशन है इसका, कि कैसे रेगुलेट होगा ऑक्सीजन हार्मोन का निकलना, तो जब बेबी डेवलप हो जाएगा तो मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस को, जब बेबी निप्पल को सक करेगा तो भी मैसेज हाइपोथैलेमस को जाएगा, तो वहां से ऑक्सीटोसिन निकलेगा। तो इस तरीके से इसका रेगुलेशन है, कंट्रोल है। ओके, चलो ध्यान रखना, अभी दो हार्मोन पढ़ा दिए मैंने इसके, दोनों एडीएच भी पढ़ा दिया और ऑक्सीटोसिन भी, इन दोनों तुम्हें एक गौर किया तुमने कि मैंने यहाँ पर हाइपोथैलेमस से ऐसा कोई मैसेज नहीं निकलवाया जो हार्मोन के थ्रू निकले, यानी रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, यहाँ पर उसका कोई रोल नहीं है। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जब भी कोई हार्मोन निकलवाना था तो हम क्या करते थे, रिलीजिंग हार्मोन निकलवाते थे, और जब रोकना होता था तो इनहिबिटिंग हार्मोन निकलवाते थे। लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्यों नहीं निकल रहे, क्योंकि जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन बनाई क्या रही है, बना तो कौन रहा है, हाइपोथैलेमस ही ना, तो हाइपोथैलेमस क्यों मैसेज देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है उसको मैसेज क्यों देगा हाइपोथैलेमस, क्योंकि काम तो हाइपोथैलेमस खुद कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पर हाइपोथैलेमस को मैसेज देने की जरूरत नहीं है, यानी रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन यहाँ पर नहीं निकलेंगे, याद रखना। ओके, एक चीज और ध्यान दो, ऑक्सीटोसिन जो है ये मेल के अंदर भी काम करता है भाई, ऐसा नहीं कि फीमेल के अंदर काम करता है, बेबी को बाहर निकलवाता है, मिल्क का सिक्रेशन कराता है, गर्भाशय की जो मसल होती है, यूटेरस मसल होती है, उसका कॉन्ट्रैक्शन कराता है, मेल में भी काम है इसका,
भाई इसका काम क्या है, कॉन्ट्रेक्शन में काम है ना, ये थोड़ी काम है कि मेल और फीमेल में किसमें करना है। भाई पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस तो मेल के पास भी है ना, तो वहां मेल के अंदर भी क्या होगा, ऑक्सीटोसिन निकलता है और मसल का कॉन्ट्रेक्शन कराता है। कौन सी मसल, जो पेनिस में मसल्स होती हैं, या फिर ऐसा जो रिप्रोडक्टिव मसल, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो मसल है, ठीक है, वहां का कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। जब वहां का कॉन्ट्रेक्शन कराएगा तभी तो स्पर्म बाहर आएगा। दिमाग लगाओ, सीमेन फोर्सफुली बाहर आएगा, कब आएगा, जब हस्बैंड वाइफ क्या कर रहे होंगे, सेक्शन इंटरकोर्स, उस समय इंसेमिनेशन होता है, बताया था, इंसेमिनेशन होगा और फोर्सफुल इंसेमिनेशन होगा, सीमेन को बाहर निकालना पड़ेगा पेनिस से, तो उस समय ऑक्सीटोसिन ही निकलता है और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, पेनिस का जो मसल है या जो रिप्रोडक्टिव मसल, उनका कॉन्ट्रेक्शन करवा देता है, ताकि सीमेन क्या है, फोर्सफुली मेल के पेनिस से निकलकर कहां जाए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी वेजाइना में इंटर कर जाए। तो मेल के अंदर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है, तो याद रखना है कहां पर, खास कर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, कब, जब वीर सेचन होता है, इंसेमिनेशन होता है, तभी मसल को कॉन्ट्रेक्ट करवाने में मदद करता है मेल के अंदर। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन खत्म। एनी डाउट, कुछ पूछना है एडीएच ऑक्सीटोसिन में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी खत्म, एंटीरियर पहले पढ़ लिया था, पोस्टीरियर अभी पढ़ लिया, इस तरीके से जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो खत्म हो चुकी है। अब हाइपोथैलेमस से किस तरीके से इसका रेगुलेशन और कंट्रोल होता है वो भी हमने देख लिया। एनी डाउट बता दो भाई, इसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड पे जाते हैं। देखो एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन बाहर आते हैं, एनसीईआरटी ने जो शब्द लिख दिया उस पर क्वेश्चन आता है और एनसीईआरटी उसको एक्सप्लेन नहीं करती है, तो उसकी पूरी मैकेनिज्म के साथ एक्सप्लेन किया कि कैसे काम होगा, तो रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा यदि आपने अच्छे से समझा हो, और समझने के लिए क्या चाहिए, डाउट आने चाहिए। यदि आपने समझा है और कोई पॉइंट मिस हो रहा है तो डाउट आता ही है, रटने के लिए फिर डाउट नहीं आता। तो यदि कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट ग्लैंड हमारी जो है थायराइड ग्लैंड, नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। ओके, एनी डाउट अभी बता दो जल्दी। नहीं है, आना तो बोल दो। ये फंक्शन पूछ रहा है आशिक, किसका फंक्शन, किसका फंक्शन बताना है, ऑक्सीटोसिन का। ओके, ये ऑक्सीटोसिन के फंक्शन है। देखो पहला है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, यानी बेबी को डिलीवरी करवाने में मदद करता है, ये पहला फंक्शन है उसका। दूसरा फंक्शन है मिल्क इजेक्शन कराता है, यानी जब बेबी क्या करता है, निप्पल को टच करता है या सक करता है, तो मिल्क का जो सिक्रीशन है वो कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन करवाता है, यानी मेमरी ग्लैंड से निप्पल से मिल्क को बाहर निकलवाता है। तीसरा काम कि मसल को कॉन्ट्रेक्ट करता है, कौन सी मसल, स्मूथ मसल, अब वो कोई भी मसल हो सकती है, ठीक है, स्मूथ मसल वो कहीं भी हो सकती है, लेकिन जनरली कहाँ का करता है, यूट्राइन का, बट अपन ने देखा मेल के अंदर भी करता है। मेल के अंदर जब इंसेमिनेशन होता है, वीर सेचन होता है, तो उस समय क्या करना पड़ेगा, सीमेन को फीमेल की बॉडी में भेजना है, तो मसल क्या करेगी, फोर्सफुली भेजना पड़ेगा तभी तो जा पाएगा, तो वहां की जो पेनिस की मसल है, रिप्रोडक्टिव मसल है मेल की, उनका कॉन्ट्रेक्शन करवा के क्या करेगा, सीमेन को फीमेल की बॉडी में पहुंचाएगा। तो मेल के अंदर भी काम है इसका। ओके, तो बट आपको ये तीन काम याद रखने हैं, एनसीईआरटी में भी लिखे हुए, ये तीनों काम इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, तो ये तीन काम है उसके। ये बाकी जो मैं ये समझा रहा था कि मैकेनिज्म, तो मैं बताता काम कैसे करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, क्योंकि जितने भी हार्मोन अभी तक है मैंने सारे मैकेनिज्म समझाई है, इसलिए इसकी मैकेनिज्म समझा रहा हूँ कि किस तरीके से काम करेगा। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड, ये मैं आपको बताता हूँ, नेक, नेक के पास होती है ट्रेकिया, पता है सबको, ट्रेकिया श्वास नली, गर्दन, नेक है जो गर्दन है, गर्दन में क्या होती है, श्वास नली होती है, जहां से ऑक्सीजन वगैरह, जहां से रेस्पिरेटरी गैसेस को आप लेते हैं और वहां आउट करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना श्वसन तंत्र का, वहां पे होता है ट्रेकिया। ट्रेकिया में क्या होते हैं, कार्टिलेज होती है, रिंग ऐसे, ये ट्रेकिया बना है और ये कार्टिलेज बना रहा हूँ, ठीक है, ट्रेकिया किससे क्या होती है, कार्टिलेज से, ये हमारे पास ट्रेकिया। ट्रेकिया के अराउंड, ट्रेकिया जो होता है उसके दोनों ओर इस तरीके से हमारी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, थायराइड,
जिसे थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड जुड़ी होती है इस तरीके से आपस में, ऐसा नहीं कि बीच में ऐसा नहीं कि ट्रेकिया से चिपकी हुई है बस इधर लेफ्ट राइट दोनों तरफ, नहीं ट्रेकिया के ऊपर से गुजरती है ये पूरा, ये ग्लैंड है ये, ठीक है, ट्रेकिया के ऊपर से गुजरती है ग्लैंड। तो जो थायराइड ग्लैंड है उसके पास टू लोब्स हैं, ये लोब्स कहलाते हैं, राइट और लेफ्ट लोब, ये क्या है, लोब्स हैं, ठीक है। और लोब्स को जो जोड़ रहा है, ये जोड़ने वाला जो पार्ट है, इसको हम इस्थमस कहते हैं, ठीक है, इस्थमस कहते हैं। तो थायराइड ग्लैंड है कहाँ, तो थायराइड ग्लैंड का लोकेशन बोले तो फ्रंट ऑफ नेक, यानी नेक के सामने, गर्दन के सामने है, ठीक है, जो गर्दन है उसके पीछे में नहीं है, फ्रंट में है, बैक में नहीं है, आगे है, यानी जो ग्लैंड है वो पीछे साइड नहीं है, आगे साइड है नेक के, और कहाँ पर है, आइदर साइड ऑफ ट्रेकिया, ठीक है, यानी जो ट्रेकिया है उसके दोनों तरफ है, अभी दिखा चित्र में भी, डायग्राम में भी, ओके। इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से दिखती है, तो इसके फीचर्स देखो, तो किस तरीके से दिखती है, बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई के भी दो पंख होते हैं, ठीक है, जो उसके बॉडी से जुड़े होते हैं, तो उसकी बॉडी समझ लेना इस्थमस, और उसके जो पंख है वो ये लोब है। तो बटरफ्लाई याद रखना, पूछता है बटरफ्लाई से ग्लैंड कौन सी है, थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई जैसे दिखती है, ठीक है। कितने लोब होते हैं, टू लोब्स होते हैं, आर कनेक्टेड विथ इन विथ इस्थमस, यानी और दो लोब है और किससे जुड़े होते हैं, इस्थमस से जुड़े होते हैं, ठीक है। इसका जो ओरिजन है, तो फीचर देख लिया, लोकेशन कहां पर होती है वो देख लिया, ओरिजन, ओरिजन क्या है इसका, एंडोडर्मल ओरिजन है, याद करो, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी थी, एक्टोडर्मल ओरिजन थी यहां, और हाइपोथैलेमस भी एक्टोडर्मल ओरिजन था, ठीक है। आपको पता है जर्म लेयर तीन होती थी, बताया था, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, आपको पुराना लेक्चर देखना था जिन्होंने मिस किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एंडोडर्म मतलब क्या। तो मैंने बताया था तीन जर्म लेयर होती है जिससे पूरी बॉडी बनती है, तीन चीजें हैं जो पूरी बॉडी बनाती है, उनमें से जो एंडोडर्म है वो क्या बनाती है, थायराइड ग्लैंड बनाती है। तो थायराइड ग्लैंड बनाने का काम किसका, एंडोडर्म का काम है, ओके। तो ओरिजन हो गया, लोकेशन कहाँ हो गया, फ्रंट ऑफ नेक और आइदर साइड, दोनों साइड किसके, ट्रेकिया के, ठीक है। फीचर अपन ने देख लिया कि अच्छा, एक चीज और, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट कौन सी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, थायराइड, एंडोक्राइन, ओके, याद रखना एंडोक्राइन। लेकिन कल आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, कोई मुझे बता पाएगा लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, किसी को याद है लार्जेस्ट ग्लैंड, लीवर, लीवर, वेरी गुड, लीवर इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन ये, और कल कोई पूछेगा कि लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो एक्सोक्राइन भी लीवर ही है, क्योंकि यदि ग्लैंड पूछा तो उसके अंदर दोनों आ जाते ना, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। भाई मैंने आपसे पूछा लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो उसके अंदर एक्सो एंडो दोनों आ गया ना, तो लीवर ऐसी ग्लैंड है जो सबसे बड़ी है, लगभग 1.5 kg, 1.5 kg की ग्लैंड होती है लीवर। और लीवर लेकिन है, यदि आप पूछो कि ग्लैंड तो सबसे बड़ी, बट किस टाइप की ग्लैंड है, तो एक्सोक्राइन है, तो एक्सोक्राइन लीवर है, लार्जेस्ट ग्लैंड भी लीवर है, क्योंकि लार्जेस्ट में तो ये नहीं बताना कि तुम्हें एक्सो बतानी तो एंडो, तो जो सबसे बड़ी है तो वही बताओ, तो लीवर ही सबसे बड़ी है, और एक्सोक्राइन पूछा तो भी लीवर, लेकिन एंडोक्राइन पूछ लिया तो आप याद रखोगे कि वो कौन सी है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये सारे एग्जाम के क्वेश्चंस ही हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी और एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको आप नजरअंदाज नहीं करेंगे, बिल्कुल एक नोट्स की तरह ही मैंने प्रिपेयर करा के स्लाइड बना के पढ़ा रहा हूँ। यदि आपने पूरी स्लाइड कवर कर ली तो आपसे एक भी क्वेश्चन कहीं मिस नहीं होगा, ना नीट में ना अदर एग्जाम में, तो इसलिए ध्यान से इन चीजों को अच्छे से करो, नहीं समझ में आता तो पूछो, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं, तो रीजन देख लिया, लोकेशन देख लिया और फीचर देख लिया, नेक्स्ट बात आते हैं सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलते हैं वो देखना है। हार्मोन देखने से पहले हमें ये पता होना है सेल्स के बारे में। तो मैं थायराइड ग्लैंड को जब क्रॉस सेक्शन यानी काट के देखता हूँ, तो थायराइड ग्लैंड के अंदर मुझे दो टाइप की सेल्स देखने को मिलती है। ये थायराइड ग्लैंड को काट के देख रहा हूं मैं अंदर, तो थायराइड ग्लैंड के अंदर मुझे दो टाइप की सेल्स देखने को मिलती है। एक इस तरीके की सेल है ये, ठीक है भाई। थायराइड ग्लैंड के अंदर जब मैं देखता हूँ तो मुझे कितनी दो सेल मिलती है, एक तो ये हो गई और दूसरी सेल हो गई, दूसरी सेल इनके बीच में होती है यहाँ ऐसे, ठीक है, इस तरीके से छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो बड़ी वाली ये सेल है इसको हम बोलते हैं फोलिकुलर सेल। ये कौन सी है, फोलिकुलर सेल।
और फोलिकुलर के अंदर जो बीच में खाली स्पेसेस हैं, तो बीच में है फोलिकल सेल के बीच में, तो बीच मतलब होता है पैरा, तो इसलिए इसका नाम होता है पैरा फोलिकुलर सेल, पैरा फोलिकुलर सेल। तो थायराइड ग्लैंड की दो सेल हो गई, एक होती है फोलिकुलर सेल, एक होता है पैरा फोलिकुलर सेल। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं हार्मोन का जब नाम लिखूंगा तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा हार्मोन कहां से निकलता है। तीन हार्मोन थायराइड ग्लैंड निकालती है और दो सेल के थ्रू निकालती है, तो सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड कितनी है, दो, एक फोलिकुलर सेल एक पैरा फोलिकुलर सेल। नाम याद रहेगा फोलिकुलर, पैरा में, पैरा में क्यों बोल रहे हैं, पैरा का मतलब होता है बीच में, जब किसी के बीच में है तो उसके लिए पैरा यूज किया जाता है, तो यहाँ पे फोलिकुलर सेल के बीच में इसलिए पैरा फोलिकुलर। अब कौन कौन से हार्मोन निकालते हैं, तो देखो थायराइड ग्लैंड से तीन हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है T3 हार्मोन, एक निकलता है T4 हार्मोन और एक निकलता है कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन हार्मोन। तीन हार्मोन निकलते हैं। T3 का पूरा नाम क्या होता है, T3 का पूरा नाम होता है ट्राई आइडो थायरोनिन, ठीक है, ट्राई आइडो थायरोनिन। और यदि T4 है तो T4 मतलब टेट्रा आइडो थायरोनिन, तो ये पूरा नाम है। बट हार्मोन कितने निकलते हैं, तीन, T3 T4 कैल्सिटोनिन। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन निकलते थे, उसी तरीके से जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उससे भी हार्मोन निकलते हैं, बट यहाँ पे कितने हार्मोन निकलते हैं, तीन, T3 T4 और कैल्सिटोनिन। T3 T4 जो निकलता है इसको निकालता है कौन सी, फोलिकुलर सेल, इसलिए तो फोलिकुलर बता, फोलिकुलर सेल। तो फोलिकुलर सेल निकालती है T3 T4 और कैल्सिटोनिन कौन निकालता है, कैल्सिटोनिन निकालता है पैरा फोलिकुलर सेल। ये भी क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है, ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है कि T3 T4 कौन निकालता है, तो फोलिकुलर सेल निकालता है, ठीक है, कैल्सिटोनिन कौन निकालता है, पैरा फोलिकुलर। तो तीन हार्मोन हो गए, ओके, अब इनको आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है T3 T4 हार्मोन। देखो कैल्सिटोनिन कौन निकालता था, पैरा फोलिकुलर, और फोलिकुलर T3 T4 निकालता था, तो T3 T4 का आओ देखते हैं क्या है। तो सोर्स ऑफ सिक्रेशन कहाँ से निकलता है, इसका सोर्स ऑफ सिक्रेशन क्या है, तो आपको पता है फोलिकुलर सेल तो है, सोर्स ऑफ सिक्रेशन क्या है, फोलिकुलर सेल, जो कहाँ पर है, ये फोलिकुलर सेल थायरॉइड ग्लैंड, क्योंकि थायरॉइड पड़ रहा है ना, तो थायरॉइड ग्लैंड के अंदर होती है फोलिकुलर सेल। तो T3 T4 का जो सोर्स ऑफ सिक्रेशन है कि कहाँ से निकल रहा है, तो थायरॉइड ग्लैंड के अंदर फोलिकुलर सेल से निकलता है। किस टाइप का हार्मोन है, याद रखो क्लासिफिकेशन हार्मोन जाओ, मैंने बताया था थायराइड हार्मोन किस तरीके के होते हैं, अमीन हार्मोन होते हैं, या फिर इन्हीं को हम बोलते थे टायरोसिन हार्मोन। क्यों टायरोसिन क्यों कहते थे, क्योंकि ये टायरोसिन से बनते थे, टायरोसिन नामक अमीनो एसिड होता है उससे बनते थे, तो इसलिए इसको अमीन या टायरोसिन हार्मोन कहते हैं। रेगुलेशन आपको पता है, रेगुलेशन आपको पता है ना भाई, रेगुलेशन देखो क्या रेगुलेशन है, कि हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है इसको, ठीक है, हाइपोथैलेमस रेगुलेशन पिट्यूटरी करती है, लेकिन पिट्यूटरी को भी मैसेज कौन देता है, हाइपोथैलेमस। आपको पता है कि हाइपोथैलेमस से क्या निकलता था हार्मोन, कौन सा हार्मोन निकलता था, आओ देखते, हाइपोथैलेमस निकालता था TRH, थायरोट्रोप रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोप यानी जो थायरोक्सिन हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन निकाले, तो हाइपोथैलेमस क्या निकालता था, TRH थायरोट्रोप रिलीजिंग हार्मोन। और ये थायरोट्रोप रिलीजिंग हार्मोन कहां जाएगा, इंटीरियर पिट्यूटरी पे, इंटीरियर पिट्यूटरी पे, और इंटीरियर पिट्यूटरी पे कौन सी सेल होंगी, थायरोट्रोप, अभी बताया थायरोट्रोप्स, और ये थायरोट्रोप्स क्या निकालेंगी, TSH थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, याद आया, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता था, लेकिन निकलवाता कौन था, हाइपोथैलेमस, कैसे, थायरोट्रोप रिलीजिंग हार्मोन से TSH निकला थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, तो कहां जाएगा, थायराइड ग्लैंड पे, थायराइड ग्लैंड पे, और थायराइड ग्लैंड पे जाके क्या करेगा, दो हार्मोन निकलवाएगा जिसका नाम है T3 एंड T4। ध्यान रखना कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन भी थायराइड हार्मोन है, बट उसको नहीं निकलवाता, जो TSH है वो थायराइड ग्लैंड पे काम तो करेगा, बट निकलवाएगा T3 T4 हार्मोन को, T4 जो कैल्सिटोनिन है उसका अलग मैकेनिज्म, उसको आगे देखेंगे जब पढ़ूंगा, पढ़ाएंगे तो, ओके। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि हाइपोथैलेमस ने TRH निकाला, एंटीरियर पिट्यूटरी पे गया, एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन सी सेल, थायरोट्रोप क्या निकालेगी, TSH थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, यानी थायराइड को स्टिम्युलेट करने वाला, बताया था इसका काम ही है TSH का, कि थायराइड ग्लैंड का ग्रोथ करवाना और थायराइड हार्मोन को निकलवाना, तो थायराइड हार्मोन निकलवाई T3 T4, और ये T3 T4 क्या करेंगे, फंक्शन करेंगे। तो दिस इज द रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, यानी थायराइड हार्मोन का रेगुलेशन कैसे होता है, तो हाइपोथैलेमस से इनडायरेक्टली, हाइपोथैलेमस ही करता है,
और डायरेक्टली बोले तो कौन करता है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे करता है, टीसेस हार्मोन निकाल के करता है। तो पूरी मैकेनिज्म में बार बार ये चीजें डिस्कस की है, अब तो रट जानी चाहिए, बार बार ये चीजें डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये रेगुलेशन हो गया, बार बार बता चुका हूँ, ठीक है। और मैकेनिज्म करने का तरीका वही है, ठीक है, कि किस तरीके से रेगुलेट करता है, सब वैसे करते हैं, बट नाम चेंज हो जाता है, जिस हार्मोन का बोलोगे वो ना वो हार्मोन आ जाएगा, जो सेल निकालती है सेल का नाम आ जाएगा, बाकी रेगुलेशन ऐसे ही। टी होगा रेगुलेशन। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन, यानी T3 और T4 हार्मोन काम कैसे करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं। तो पहला फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है थायराइड, और तुम्हें पता है थोड़ा सा थायराइड अच्छे से पढ़ो, थायराइड एक आपके एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन आगे जाके यदि आप डॉक्टर बनोगे, ठीक है, कोई मेडिकल फील्ड में जाओगे, तो आपको सबसे ज्यादा केसेस आजकल जो डिसीज के देखने को मिलते हैं वो काय के मिलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस, यानी डायबिटीज मधुमेह रोगी देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरे जो पेशेंट देखने को मिलते हैं मैक्सिमम वो मिल रहे हैं आजकल थायराइड, आप देखोगे कि मैक्सिमम जनरली फीमेल में देखने को मिल रहा है, बट मेल में भी होता है, तो आप देखा वो थायराइड पेशेंट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो थायराइड पेशेंट, शुगर पेशेंट, तो इसलिए आपको थायराइड वगैरह का, इन सब का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो उसी को आओ देखते हैं। तो पहला फंक्शन जो थायराइड हार्मोन का, देखो अभी मैं T3 T4 ही डिस्कस कर रहा हूँ, कैल्सिट्रोनिन नहीं कर रहा हूँ, कैल्सिट्रोनिन अलग से है, क्योंकि वो फोलिकुलर सेल नहीं, पैरा फोलिकुलर सेल निकालता है, अभी मैं फोलिकुलर सेल वाली चीजों को पढ़ रहा हूँ। तो देखो पहला है एक्शन ऑन बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR। अभी BMR क्या होता है इसको समझना है भाई, ये फंक्शन रटना थोड़ी है, समझना भी तो है। तो एक्शन ऑन बेसल मेटाबॉलिक रेट, अब बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, तो देखो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को लिए यदि फंक्शन करना है तो मेन सोर्स एनर्जी, एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी कोई काम नहीं होता, और एनर्जी के लिए क्या चाहिए, फूड, ठीक है, एनर्जी के लिए क्या चाहिए, फूड और ऑक्सीजन, क्योंकि एनर्जी यदि प्रोड्यूस करना है तो फूड और ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि फूड लेने के बाद भी उसका ऑक्सीजन करना पड़ता है, ऑक्सीकरण करना पड़ता है, तब ऊर्जा निकलती। तो मेटाबॉलिज्म में दो चीजें आती हैं, 11th याद करो, ठीक है, 11th में जो बेसिक शुरू के चैप्टर थे, खासकर जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था क्या बायोमोलिक्यूल, वहां पे मेटाबॉलिज्म अच्छे समझा था, डाइजेशन में भी। तो बेसल मेटाबॉलिक मतलब होता है, मेटाबॉलिक में दो प्रोसेस हैं, एक होती है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म, यानी एनाबॉलिज्म मतलब बनाना, कैटाबॉलिज्म मतलब तोड़ना। तो मेटाबॉलिज्म में दोनों चीजें आती हैं, कुछ चीजें बन रही कुछ टूट रही है, जैसे एनर्जी प्रोड्यूस करना है तो ग्लूकोज आया, ग्लूकोज को तुमने तोड़ दिया तो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड पानी बना, तो बना क्या, एनर्जी बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बना, पानी बना, लेकिन टूटा क्या, ग्लूकोज, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हुआ कुछ बन रहा है कुछ टूट रहा है, इसलिए मेटाबॉलिज्म। और BMR का काम क्या है यहाँ पे, बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए जो काम हो रहा है, ठीक है, कि वो फूड लिया, फिर ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के थ्रू फूड को ऑक्सीजन करा दिया, एनर्जी प्रोड्यूस करा दी, और एनर्जी से हम क्या करें, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है हमारी बॉडी। तो ये है एक्शन ऑन बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी हमारी जो बेसल बेसिक रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उसको कंप्लीट करता है कौन, थायराइड हार्मोन, कैसे, एनर्जी को प्रोड्यूस करके, कैसे प्रोड्यूस करता है बताया कि ग्लूकोज को तोड़ता है, लेकिन बनाता क्या, वाटर और पानी, जो कि वेस्ट है, पानी को तो हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, यूज हो जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से उसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ चीजें टूट रही है कुछ चीजें बन रही है, तो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्लड फॉर्मेशन, थायराइड हार्मोन का काम किसमें है, ब्लड फॉर्मेशन में भी है। ब्लड फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस, याद रखना, एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस मतलब ब्लड फॉर्मेशन। तो ब्लड फॉर्मेशन में भी थायराइड हार्मोन का, यानी T3 T4 का इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट रहता है एक्शन ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी जो हमारा रक्तवाहिका तंत्र है उस पर भी ये काम करता है, और वहां पर सारी चीजों को इंक्रीज करता है, काम करके क्या करवाएगा, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज करवा देगा, जैसे हार्ट बीट, या सॉरी हार्ट रेट बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, आई बात समझ में। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर जाके सारे काम को बढ़ाता है, याद रखना, जो हमारी हृदय की धड़कन है उसको बढ़ा देगा, जो हमारा रक्त का प्रवाह है, रक्त का दाब है, उसको बढ़ा देगा, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन इसका है एक्शन ऑन द बॉडी वेट, ये बॉडी वेट में कैसे काम करता है, तो याद रखो जब T3 T4 ज्यादा निकलता है तो इंसान पतला हो जाता है, याद रखना, पतला दिखेगा। यदि आपको ये देखना है
कि कैसे पता करें किसके अंदर टी थ्री टी फोर ज्यादा है, तो टी थ्री टी फोर ज्यादा होगा तो इंसान पतला हो जाएगा, और टी थ्री एंड टी फोर यदि कम है तो इंसान मोटा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। कैसे देखो समझो, पतला क्यों होगा टी थ्री टी फोर? देखो अभी बेसल मेटाबॉलिक रेट याद रखो, मैंने बताया जब टी थ्री टी फोर ज्यादा होता है, और टी थ्री टी फोर का काम क्या होता है कि चीजों को तोड़ना, जैसे ग्लूकोज को तोड़ना, एनर्जी बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बाहर करना। ओ थोड़ा सा रुकना, पीसी डिस्चार्ज हो गया है तो मैं चार्ज में लगा रहा हूँ, एक मिनट। ओके ओके चलिए, तो वापस से देख रहे हैं कि एक्सन ऑफ बॉडी वेट पे कैसे काम करेगा। तो ये यदि टी थ्री टी फोर ज्यादा निकलता है तो टी थ्री टी फोर क्या करेगा, इंसान को पतला, पतला मतलब बॉडी वेट क्या करवा देगा, जो वेट है वो क्या करवा देगा, कम। कैसे कम होगा, तो याद रखो बीएमआर में क्या होता था कि ये क्या करता है, ग्लूकोज वगैरह को तोड़ता है, यानी जो भी आप खाओगे उन सबको तोड़ के एनर्जी बना देगा। टी थ्री टी फोर का काम ही क्या है कि एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या करेगा कि ये क्या करेगा, जो भी आप खाओगे वो सबको तोड़ के एनर्जी बना देगा, एनर्जी बना देगा सारी चीजें तोड़ को, तो शरीर में लगेगा नहीं कुछ, यानी बॉडी में कुछ नहीं लगेगा, एनर्जी ताकत तो होगी उसमें बहुत, लेकिन बॉडी में कुछ नहीं लगेगा, शरीर के अंदर कुछ लगेगा नहीं, ठीक है, सिर्फ एनर्जी बना के चीजें बाहर निकल जाएंगी, तो यानी वेस्ट बन के बाहर निकल जाएगा, शरीर पे कुछ नहीं लगेगा, शरीर पे जब कुछ नहीं लगेगा तो इंसान पतला हो जाएगा, बॉडी वेट कम हो जाएगा। लेकिन ये टी थ्री टी फोर है, तो टी थ्री टी फोर यदि कम है, कम होगा इसका मतलब जो खाएगा उसे एनर्जी ज्यादा बना नहीं पाएगा, शरीर पे लगाता जाएगा, जो भी खाएगा शरीर पे लगता जाएगा, इंसान मोटा हो जाएगा, तो वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो तुमने देखा होगा कि जो मोटे लोग होते हैं उनको ज्यादातर थायराइड जो होता है उनके अंदर टी थ्री टी फोर कम होता है, और जो पतले लोग हैं उनको थायराइड हुआ है, इसका मतलब उनके अंदर टी थ्री टी फोर ज्यादा हुआ है। थायराइड बोलते हैं इसको, थायराइड हो गया, तो थायराइड हो गया तो क्या, थायराइड दो तरीके से है, एक होता है हाइपर थायराइडिज्म, एक होता है हाइपो, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, तो टी थ्री टी फोर ज्यादा हो जाता है तो उसको हम हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं, और टी थ्री टी फोर कम हो जाता है तो उसको हम हाइपो थायराइडिज्म कहते हैं। यदि टी थ्री टी फोर ज्यादा है तो हाइपर थायराइडिज्म, और हाइपर थायराइडिज्म का जो पेशेंट होता है वो पतला होता है, उसका बॉडी वेट कम होता है, और जो टी थ्री टी फोर यदि कम हो गया तो कुछ भी खाएगा सिर पे लग रहा है तो क्या हो जाएगा, बॉडी वेट बढ़ जाएगा, और ऐसे पेशेंट को जो कहते हैं उनको मतलब हाइपोथायरिडिज्म, क्योंकि टी थ्री टी फोर कम है ना, तो हाइपोथायरिडिज्म। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक्शन ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर भी मेंटेन करवाता है, कैसे टेम्परेचर मेंटेन ऐसे कराएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि एनर्जी प्रोडक्शन करेगा ना, एनर्जी प्रोडक्शन करेगा तो हीट भी तो निकलती है, उष्मा, उष्मा निकलती है, तो टेम्परेचर, उष्मा क्या है, टेम्परेचर क्या है, हीट का ही तो फॉर्म है, तो टेम्परेचर कहाँ से आएगा, हीट से। तो बीएमआर मेंटेन कर रहा है यानी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो हीट भी प्रोड्यूस करेगा, तो टेम्परेचर भी प्रोड्यूस करेगा, टेम्परेचर मेंटेन करवाएगा। इसीलिए देखा होगा ठंडी में आप ज्यादा खाना खाते हो, क्यों, ठंडी में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बीमार चाहिए होगी, तो बीमार के लिए क्या चाहिए, फूड। भाई बीमार यदि आपको बंद करना है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना है, तो क्या चाहिए, फूड, तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो क्या होगा, एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए आप खाना ज्यादा खाओगे, तो ठंडी में यही रीजन है कि टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, टेम्परेचर कम होगा तो आपको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए होगी, एनर्जी, और एनर्जी यानी बीमार के लिए क्या चाहिए होगा, फूड, इसलिए आप ज्यादा खाना खाते हो। नेक्स्ट आता है एक्शन ऑफ ऑन ग्रोथ, ठीक है, तो अल्टीमेटली ग्रोथ का भी यही है जो बॉडी वेट से, ठीक है, कि ग्रोथ यदि टी थ्री टी फोर ज्यादा निकल गया नॉर्मल से तो इंसान की ग्रोथ में भी कहीं ना कहीं कम ज्यादा होने पर ग्रोथ पे इफेक्ट आता है।
तो इसको अब ज्यादा डिस्कस नहीं करें। पहला हमने देख लिया बीएमआर, दूसरा होता है एरिथ्रोपोइसिस यानी ब्लड को भी बन पाता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे एक्ट करके सारी चीजों को बढ़ा देगा, मतलब हार्ट से रिलेटेड सारी चीजें बढ़ा देगा, एक्शन ऑन बॉडी वेट पे करेगा तो आपको पता है कि ज्यादा कर दिया तो पतला हो जाएगा, और कम हो गया तो मोटा हो जाएगा। इसलिए नॉर्मल, हर चीज का नॉर्मल होना जरूरी है, ज्यादा कम होगा तो कोई पतला और कोई मोटा हो सकता। फिर ये टेम्परेचर मेंटेन करेगा और साथ में ग्रोथ करवाएगा, तो ये T3 T4 के फंक्शन हो गए। नेक्स्ट आता है डिसऑर्डर ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड या थायराइड हार्मोन से निकलने से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो पहली डिसीज है जिसे हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपरथायरॉइडिज्म अभी बताया, हाइपर मतलब ज्यादा, तो इसमें क्या हो जाएगा इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, कौन सा T3 एंड T4। तो T3 T4 का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे हाइपरथायरॉइडिज्म, ठीक है। या फिर ऐसा बोलो T3 T4 का लेवल जो है, ठीक है, लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि सिक्रीशन तो बढ़ भी जाता है और फिर उसको नॉर्मल भी मेंटेन कर लेते हैं हम। लेकिन यदि हमेशा T3 T4 का लेवल ब्लड में ज्यादा ही दिखता है, ठीक है, हमेशा की बात हो रही है, एक घंटे दो घंटे के लिए नहीं कि अभी थोड़ा सा बढ़ा था फिर नॉर्मल हो गया, उसको नहीं, यदि ब्लड के अंदर कंटिन्यू T3 T4 का लेवल बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म। नेक्स्ट आता है हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म में क्या होगा कि जो लेवल है, लेवल ऑफ T3 एंड T4 वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे ब्लड के अंदर T4 T3 का लेवल है वो यदि कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि हाइपोथायरॉइडिज्म। नेक्स्ट डिसीज क्या है, गोइटर, गोइटर आपने हमेशा सुना होगा कि जो थायराइड हार्मोन है उनको बनाने के लिए आयोडीन जरूरी है, बोला जाता है ना आयोडीन युक्त नमक खाओ, क्यों खाओ, क्योंकि आयोडीन जरूरी है, नेसेसरी है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए। तो यदि थायराइड हार्मोन कम हो गया, ठीक है, यानी आयोडीन कम हो जाएगा, आयोडीन कम हो तो थायराइड हार्मोन कम हो गया, तो आयोडीन की कमी से, आयोडीन की डेफिशिएंसी से, डेफिशिएंसी यदि आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई यानी आयोडीन की कमी हो गई तो फिर क्या होगा, हार्मोन कम बनेगा, T3 T4 कम बनेगा, आयोडीन नहीं आएगा तो कहां से बनाएगा, शरीर T3 T4 नहीं बना पाएगा। तो जब T3 T4 नहीं बन पाएगा तो क्या होगा, ग्लैंड को ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि हार्मोन की सप्लाई तो देनी पड़ेगी ना, तो सप्लाई के लिए क्या होगा, ग्लैंड ज्यादा काम करेगी, ज्यादा काम करने के चक्कर में उसका साइज बढ़ जाता है, तो एबनॉर्मल इनलार्जमेंट हो जाता है ग्लैंड का, इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड, ठीक है, कौन सी, थायराइड ग्लैंड। तो जो थायराइड ग्लैंड है उसका इनलार्जमेंट हो जाता है, गोइटर घेंघा रोग सुना होगा, घेंघा रोग में क्या हो जाता है, थायराइड ग्लैंड बड़ी हो जाती है, बड़ी होने का रीजन क्या है, आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन नहीं खाओगे, आयोडीन कम हो जाएगा शरीर के अंदर तो क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, ठीक है, T3 T4 की कमी हो जाएगी। जब T3 T4 की कमी हो जाएगी तो उसको पूरा करने के ग्लैंड ज्यादा काम करेगी, ज्यादा काम करने के चक्कर में उसका साइज बढ़ जाता है, उसको हम गोइटर कहते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रेव डिसीज, ग्रेव डिसीज के अंदर ये क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है हाशिमोटो डिसीज, ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, ये भी क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है कि हमारा शरीर हमारे ही, ठीक है, हमारे ही बॉडी को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, उसको हम ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं। तो ग्रेव डिसीज भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, इसके अंदर भी हमारा शरीर अपने ही सेल्स को, अपने ही टारगेट ऑर्गन्स को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। बट हम अभी थायराइड की बात कर रहे हैं तो थायराइड के अंदर क्या होता है, ग्रेव डिसीज होता है ऑटोइम्यून की वजह से, और हाशिमोटो भी ऑटोइम्यून की वजह से ही होता है। तो फर्क क्या है दोनों में, तो फर्क को समझो, ग्रेव डिसीज में तुम्हें पता है कि थायराइड हार्मोन निकलवाता कौन है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आता वही निकलवाता। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो इसमें होता क्या है कि जो TSH है नेचुरली, जो हमारा TSH है वो थायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड निकलवाता है और TSH जाके थायराइड ग्लैंड पे काम करता है और थायराइड ग्लैंड क्या करती है, थायराइड ग्लैंड क्या करती है, हार्मोन निकलवाती। लेकिन गोइटर के केस में क्या होता है, सॉरी ग्रेव डिसीज के केस में क्या होता है
कि हमारी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर यानी इम्यूनिटी के अंदर कुछ ऐसा बदलाव होता है जिससे हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। कैसे? जो काम पिट्यूटरी ग्लैंड कर रही थी टीएसएच को निकालने के लिए और टीएसएच काम कर रहा था थायराइड हार्मोन निकलवाने के लिए, अब क्या हो जाता है कि जो बी सेल है हमारे अंदर, ब्लड के अंदर बहुत सारी सेल होती हैं, बी यानी बी लिम्फोसाइट, ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो होती हैं, उनके क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा कि उनके अंदर डब्ल्यूबीसी के अंदर होती हैं ग्रेनुलोसाइट, एग्नुलोसाइट, ठीक है, एग्नुलोसाइट के अंदर टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट पढ़ते हो। तो जो बी लिम्फोसाइट होता है उसका वो क्या करने लगता है, ऑटोइम्यूनिटी की वजह से, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से जो बी लिम्फोसाइट है वो क्या करने लगता है, टीएसएच निकालने लगता है, टीएसएच जैसी एंटीबॉडीज बनाता है, टीएसएच जैसा एंटीबॉडीज बनाता है, और टीएसएच जैसी एंटीबॉडीज बना के जाके क्या करती है, थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करती है। देखो टीएसएच नहीं निकल रहा है, नेचुरल टीएसएच जो थायराइड हार्मोन को मिलता है कौन देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड देता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड देता है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा क्योंकि ऑटोइम्यून डिसीज हो चुकी है। तो जो बी लिम्फोसाइट वो काम करने लगा, वो क्या कर रहा है, बार बार जाके बी लिम्फोसाइट बार जाके टीएसएच जैसा काम करवाता है, टीएसएच जैसा, बिल्कुल टीएसएच नहीं कर रहा है, टीएसएच जैसा जाके काम करवाता है कहाँ पे, थायराइड पे। और जब टीएसएच जाता है तो तुम्हें पता है कि थायराइड एक्ट करके टी3 टी4 बनाने लगती है, इतना तो पता है। तो ग्रेव डिसीज में क्या होता है कि टीएसएच बहुत ज्यादा निकलता है और थायराइड ग्लैंड पे जाके टी3 टी4 को भी बहुत ज्यादा निकलवाता है, इसका लेवल बढ़ जाता है। जब टी3 टी4 बढ़ जाता है इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर थायरॉयडिज्म, अभी पढ़ा के आया, हाइपर थायरॉयडिज्म कहते हैं इसको। तो ग्रेव डिसीज में भी हाइपर थायरॉयडिज्म ही होता है, ग्रेव डिसीज का कारण क्या है, हाइपर थायरॉयडिज्म। लेकिन हाइपर थायरॉयडिज्म हुआ कैसे, यहाँ पर जो हमारी सेल थी बी लिम्फोसाइट वो 24 घंटे काम कर रही है टीएसएच जैसा और थायराइड को बोल रही हार्मोन निकालो हार्मोन निकालो, जबकि उसकी जरूरत नहीं है इतनी, फिर भी हार्मोन निकालो हार्मोन निकालो। तो हार्मोन बहुत ज्यादा निकल जाता है, हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाता है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। लेकिन हाशिमोटो कैसे अलग है कि हाशिमोटो के अंदर ये भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है बट ये हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपो मतलब कम, थायरॉयड मतलब यानी थायराइड हार्मोन। तो इसमें थायराइड हार्मोन कम होता है कैसे, एक्चुअली यहाँ पर हमारी जो सेल है, ठीक है, कौन सी सेल, थायराइड ग्लैंड की जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड की जो सेल है वो खराब होने लगती है। यानी ऑटोइम्यून क्या करती है, ऑटोइम्यून अभी देखो यहाँ पे बी लिम्फोसाइट क्या करती है, टीएसएच निकालती थी ग्रेव डिसीज में और टीएसएच जैसा क्या करती थी, थायराइड ग्लैंड पे जाके काम करवाती थी, टी3 टी4 निकलवाती थी, यानी कि थायराइड बढ़वाती थी और थायराइड हार्मोन बढ़ रहा तो हाइपरथायरॉयडिज्म करवाता था। लेकिन हाशिमोटो डिसीज में क्या होता है तो ऑटोइम्यून ये भी, बस फर्क क्या है कि इसके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं करती जिससे टीएसएच निकलवाए थायराइड बढ़वाए, ये क्या करती है जाके हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसको ही नष्ट करने लगती है, डिस्ट्रॉय करने लगती है, खराब करने लगती है। तो इस वजह से थायराइड ग्लैंड ही हमारी डिस्ट्रॉय होने लगी। अब जब थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय होने लगी, खराब होने लगी, तो हार्मोन सिक्रेशन कम हो जाएगा ना, थायराइड ग्लैंड ही खराब होगी तो हार्मोन सिक्रेशन कम हो जाएगा, तो इंसान को क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म, क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये हो गई है डिसीजेस, डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड। इसमें एक हार्मोन बचा है कैल्सिटोनिन हार्मोन, ठीक है, जो कि थर्ड हार्मोन है। तो कैल्सिटोनिन अभी नहीं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ाऊंगा पैराथायराइड ग्लैंड, और पैराथायराइड ग्लैंड और कैल्सिटोनिन इन दोनों का आपस में संबंध है, क्या संबंध है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। कैल्सिटोनिन पढ़ाऊंगा, फिर पैराथायराइड पढ़ाऊंगा, फिर इन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि इनके में संबंध क्या है, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। और लास्ट आज जो क्लास है हमारी वो थायराइड ग्लैंड खत्म करके रोक रहे हैं, कैल्सिटोनिन बस बचा है, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी जितना पढ़ा है उसके अंदर कोई डाउट हो तो बता दो, नहीं तो ये स्लाइड जो है वो मैं आपको भी भेज दूंगा, इसको पढ़ने के बाद भी कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। तो आज हमने डिस्कस कर लिया है क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके दोनों हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेशन। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेशन पे ज्यादा टाइम इसलिए मैंने दिया, सिर्फ दो ही हार्मोन थे लेकिन लगभग एक घंटे 45 मिनट की क्लास इसी में चली गई। रीजन, क्योंकि क्वेश्चन नीट में ज्यादातर आते हैं एडीएस से और ऑक्सीटोसिन से, ठीक है, और थायराइड भी इम्पोर्टेंट है बट यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, इसलिए इसमें भी जो इम्पोर्टेंट था थायराइड के अंदर भी मैंने आपको काफी चीजें बता दी है। लेकिन ये आपको थायराइड के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल मैक्सिमम डिसीज आपको
थायराइड की और साथ में हमें डायबिटीज के पेशेंट बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो उसका रीजन वगैरह आपको पता होना चाहिए। तो हमने ये डिस्कस कर लिया है फाइनली, तो इस तरीके से हम खत्म करें, नेक्स्ट क्लास में कैल्सिट्रोनिन से स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अभी कुछ पूछना हो तो बताओ।